मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं इसके पहले दो तीन बातों को कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रणाम करती हूं, क्योंकि मैं प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं, और मैंने अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा का पहला चरण BHU से ही प्रारंभ किया था। यानी मैंने BA बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था, तो इसलिए सबसे पहले मैं BHU की धरती को प्रणाम करती हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर सोमू सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो एक ज्ञान प्रसार का महायज्ञ शुरू किया है, जैसा कि मैं देख रही थी कि ये 26 अप्रैल से शुरू होकर के आज इसका 107वां एपिसोड है। इस बृहद श्रृंखला में मुझे एक तुक्ष कड़ी के रूप में जोड़ने के लिए मैं आपका अत्यंत आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि ये टीचर एजुकेटर का ऑनलाइन, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है, तो इसमें मैं जो भी बात कहूँगी वो कहीं ना कहीं से एक सामान्य जन की भूमिका से होगा, इतना शास्त्रीय नहीं होगा कि समझने में थोड़ा सा जोर पड़े, और इतना तकनीकी नहीं होगा कि वो सिर्फ विषय विशेषज्ञ के लोगों के लिए ही रह जाए। और इसके साथ ही जिस विषय पर मैं अपना वक्तव्य देने जा रही हूँ वो है कि आज का जो आधुनिक संदर्भ में है उसमें भगवत गीता में वर्णित डिसीजन मेकिंग टेक्निक की क्या प्रासंगिकता है। इस विषय को लेकर के थोड़ी सी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चर्चा करना चाहूँगी या संवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वर्चुअल मीडिया पे एक तरफा वार्ता हो रही है और मैं उस वार्ता में अपने आप को सूत्रधार के रूप में रख करके और अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जीवन के लगभग हर क्षेत्र में विद्यमान है, और ये ऐसी चीज़ है कि हम अक्सर निर्णय लेते रहते हैं लेकिन उससे सचेत नहीं रहते। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में संलग्न होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से जाने अनजाने अनअवेयर होकर के हम निर्णय लेते रहते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में डिसीजन थ्योरी या डिसीजन की टेक्निक जो है वो 1950 में ईएल लेहमैन ने किया था, और मैं इसके बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक प्रश्न जरूर उठाना चाहूंगी यहाँ पे कि जब डिसीजन सब लेते ही हैं, और ये भी माना गया है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, तो फिर शैक्षणिक जगत में या एक सामान्य तरीके से भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक पे विचार विमर्श करने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? और मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्रबंधन के क्षेत्र में कर लीजिए या प्रशासन के क्षेत्र में कर लीजिए, यानी एकेडमिक्स और मैनेजमेंट, इन दोनों में डिसीजन मेकिंग जो है वो एक डिसिप्लिन, एक चैप्टर के रूप में प्रोमिनेंटली पढ़ाया जाता है। लेकिन सामान्य जन के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हमें दिन प्रतिदिन निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी आवश्यकता तब महती हो जाती है, तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति
बात में निश्चय नहीं कर पाता है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें आप द्वंद में पड़ जाते हैं, डायलेमा हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है। दूसरी जो स्थिति आई कि आप एक देखिए कि एक वैश्विक जो खुलापन आया उसमें बहुत सारे विकल्प आपके सामने आने लगे, और उन विकल्पों में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा भी आई, और उस प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे आकर्षण आए और बहुत सारे नैतिक मूल्य जो है उनको चुनौतियां मिलने लगी और वो अस्थिर होने लगे। ऐसी स्थिति में ये करना पड़ता है कि आप देखें कि नैतिकता को एक आपके संस्कार हैं, एक संस्कृति है, एक परिवरिश है, और उसके बीच में आपको निर्णय लेना है। तो ये एक बड़ा ही अनस्टेबल या अस्थिर सी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपने जो पूर्व उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पे लें, या जो आज जो सिचुएशन स्थित हुई है उसके बेसिस पे हम लें। ये दो तीन बातें ऐसी हैं जिसमें निर्णय लेने का सोच विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, क्योंकि निर्णय लेने की जो क्षमता है या जो स्किल है वो एम्पैथी सिंपैथी के साथ सॉफ्ट ह्यूमन स्किल के रूप में भी गिना जाने लगा है, और कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उस समय हमें निर्णय लेने की क्षमता को एक नए तरीके से परखना पड़ता है, देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। आज देखिए, आज का जो मैं कोरोना मीटर देख रही थी या न्यूज़पेपर देख रही थी, लगभग 12,88,130 केसेस कोरोना के हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आप उसको कम नहीं करें, अभी कम होने की कोई संभावना नहीं है, और 30,000 से ऊपर डेथ हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जो समाज में एक परिदृश्य बन रहा है वो इस तरह का है कि एम्बिग्यूटीज है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, एक एंजाइटी बन रही है, अतः अनरेस्ट है, व्यवहार सामान्य नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से हम बैलेंस खो रहे हैं। लाइफ और लाइवलीहुड का, यानी जीवन और आजीविका का एक संघर्ष बन रहा है। शिक्षा के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं, और इन सब बदलाव की वजह से एक द्वंद हो रहा है और एक डिप्रेशन या अवसाद या मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें एक नए तरीके से डिसीजन मेकिंग टेक्निक को देखने की ज़रूरत है। और जब हमने सोचना शुरू किया कि अगर मैनेजमेंट या प्रशासन से आगे हम बढ़ते हैं, या एक सामान्य दिनचर्या या सामान्य व्यक्ति के लिए या सामान्य क्षेत्रों के लिए अगर निर्णय की क्षमता की बात करते हैं या निर्णय के स्किल की बात करते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम अपने संस्कृति या अपने ट्रेजर, अपने समृद्धि या अपने ग्रंथों को टटोलें, और उसमें भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इतना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने एक बार ये तक कहा था कि मुझे अगर किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है और मैं बिल्कुल दिग्भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो ऐसी अवस्था में मैं गीता के पास ठीक उसी तरीके से जाता हूँ जैसे अपनी माँ के पास जाते हैं, और यहाँ या वहाँ ढूंढते ढूंढते मुझे कोई ना कोई समाधान मिल ही जाता है। और चूंकि समाधान मिल जाता है, इसलिए जो उन्होंने बुक लिखी थी, जो किताब लिखी, उसका नाम भी गीता माता है। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि गीता में जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो है वो मानव स्वभाव की जो जटिलताएं हैं, जो उसके मल्टीफेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको ध्यान में रख करके और किया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं श्रीमद् भगवद गीता में डिसीजन मेकिंग टेक्निक की बात करती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं समझा जाना चाहिए कि भगवद गीता में डिसीजन मेकिंग टेक्निक का एक एलेबोरेटिव चैप्टर है या एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है।
लेकिन भगवत गीता में जितने भी डिस्कोर्सेज हैं, जितने भी विमर्श हैं, उन विमर्शों के सार और उनकी आत्मा तक अगर जाते हैं तो हमें ये एक प्रक्रियागत समाधान मिलता है या स्किल मिलता है या क्षमता मिलती है जिसके आधार पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जिन जिन तरीकों से उन विमर्शों को बढ़ाया गया है, उन विमर्शों को हम ले करके और डिसीजन मेकिंग टेक्निक की एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक है या निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसके पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था या संक्षेप में मैंने ये बताया था कि दो स्थितियां, भ्रम की स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो डिफाइन करता है वो एक ऐसी स्थिति की ओर इंगित करता है जिसमें हमें दो वस्तुओं या दो क्रियाकलापों या दो विकल्पों के बीच में निर्णय लेना पड़ता है, और वो दोनों विकल्प ऐसे होते हैं जो हमारे या तो पक्ष में नहीं है या हम उनकी इच्छा नहीं करते, हमें वो पसंद नहीं है। दूसरी चीज जो है कि जब हम द्वंद्व की बात करते हैं तो वो द्वंद्व जो है वो एक हमारे अस्थिर मानसिक अवस्था की वजह से भी हो सकता है। जो हमारी मानसिक अवस्था है उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा जो कारण जिसकी तरफ मैं इंगित करना चाहूंगी, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम निष्क्रिय हों और हमारी निष्क्रियता की वजह से हमें संदेह हो रहा हो किसी चीज पे। ये दो तीन अवस्थाएं हैं जिसकी वजह से हमें द्वंद होता है और एक डायलेमा क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम थोड़ा सा ये भी देखना चाहेंगे कि चूंकि हम निर्णय नहीं लेने की प्रक्रिया को कुछ क्षेत्रों में समझना चाहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में वो निर्णय कब नहीं ले पाता है? जब उसकी अपनी इच्छाओं और अपने उसके प्रयासों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, और जब गैप होता है तो उसमें वो निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो भी वो प्रयास करेगा वो प्रयास उसकी इच्छा पूर्ति तक या उसके उद्देश्य तक उसको नहीं ले जा सकते। क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो चीज वो प्राप्त करे, लेकिन उसके प्रयास कहीं ना कहीं से उस तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है, तो उसके इच्छाओं और प्रयास के बीच में जो संघर्ष होता है उसकी वजह से उसे डायलेमा होता है, द्वंद होता है, और वो निर्णय नहीं ले पाता है। वो चाहता भी है लेकिन कर नहीं पाता है। इसी तरीके से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, जिसको हम बाद में थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे, कि एकेडमिक्स में जब हम जाते हैं, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जाते हैं, तो हमको क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, यानी वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक हो और वस्तुनिष्ठ हो। लेकिन इस उद्देश्य में ज्ञान जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उस उद्देश्य में चूंकि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो व्यक्ति की कहीं न कहीं से अगर विषय निष्ठता या सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो तो वो उसके निर्णय लेने की या उसकी जो हम कहते हैं एक प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करने में एक द्वंद क्रिएट करता है। और हम देखते हैं कि नहीं, ये तो इसका बायस्ड ओपिनियन है, इसलिए ये एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। एक ये बहुत बड़ा द्वंद होता है जिसमें व्यक्ति, जो भी रिसर्चर है या शैक्षणिक जगत में जो लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की सब्जेक्टिविटी कहीं उनके रिसर्चेज में ना आने पाए। तीसरी चीज कि मैनेजमेंट का फील्ड अगर हम देखते हैं, तो मैनेजमेंट के फील्ड में जो है वो जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज हैं, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या जितने विकल्प अवेलेबल हैं, अगर उन विकल्पों में सामंजस्य नहीं है तो कहीं ना कहीं से डायलेमा होगा, द्वंद होगा, और वो निर्णय लेने से रोकेगा। लेकिन ये जो चार फील्ड मैंने बताए हैं, इसमें एक चीज और भी है कि
कि अगर निर्णय लेने के लिए हमें कहीं से बाधा आ रही है तो वो बाधा किस वजह से है, क्योंकि उस बारे में हमारे प्री कंसीव्ड नोशन है, पहले से बनाए हुए कुछ विचार हैं, कुछ आध्यात्मिक मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ के साथ, कुछ मूल्यों के साथ हमारी संलग्नता है, या हम उसको समझते हैं कि यही हमारी वैल्यू है, ये हमारी पहचान है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह के जब द्वंद्व होते हैं और व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है तो इस द्वंद्व का एक विपरीत असर संस्थान पे, समाज पे, राष्ट्र पे और राज्य पे और क्षेत्र पे सर्वत्र पड़ता है। इसलिए जो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक पे विचार करने की क्यों आवश्यकता है, हमारी जो डिसीजन हो, हमारे जो निर्णय हो, वो सुनियोजित हो, सार्थक हो, कल्याणकारी हो, इसलिए निर्णय लेने की जो एक योग्यता या क्षमता है या उसकी जो तकनीकियां हैं उस पे विचार करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा एक परिदृश्य मैं ये भी देना चाहूँगी कि चूंकि मेरा ध्यान केंद्रित होगा भगवत गीता में जो निर्णय लेने की तकनीकी है उस पे, लेकिन उसके पहले मैं एक बृहद परिदृश्य बनाना चाहूँगी कि पाश्चात्य दर्शन को, उन थ्योरीज को मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कम से कम उनको छूती हुई चलूँ ताकि एक जनरल विचारधारा हमारे सामने उपस्थित हो और उसके परिदृश्य में हम गीता की महत्ता को समझ सकें और गीता के निर्णय जो लेने की तकनीकी है उसको समझ सकें। आप देखिए थ्योरीज में मूल रूप से जो तीन थ्योरीज बताई गई हैं वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, यानी व्याख्यात्मक थ्योरी। व्याख्यात्मक थ्योरी में हम क्या करते हैं, सिद्धांत में क्या करते हैं कि जितने भी अबौद्धिक निर्णय लिए गए हैं उनके कारणों की छानबीन करते हैं, यानी एक तरीके से छिद्रान्वेषण करते हैं कि अगर ऐसा गलत हुआ तो इसके पीछे ये निर्णय था। दूसरी है प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी, यानी निर्देशात्मक थ्योरी। इसमें हम जो करता है या जो एजेंट है, जिसको काम करना है, उसके काम करने की क्षमता के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करते हैं और हम ये कहना शुरू करते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस तरीके की थ्योरी जो है वो मैनेजमेंट के बॉसेज अक्सर करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जो बॉसेज ऊपरी लेवल पे बैठे हुए हैं वो करते हैं और अपने जो लोग काम कर रहे हैं उन काम करने वाले से अपेक्षा करते हैं कि उनके निर्देशों का पालन किया जाए। तीसरा सिद्धांत जो आता है वो इवेल्युएटिव थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि एक सेट वैल्यूज़ होते हैं, एक नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए या देश के लिए या नेशन के लिए, और उन वैल्यूज़ की संरक्षा करते हुए और उन वैल्यूज़ के हिसाब से आगे बढ़ते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि एक निर्णय लिया जाए। अब ये देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये थियोरीज काम करती हैं। उसमें तीन सिचुएशन बताई गई हैं। एक तो डिसीजन ऐसे सिचुएशन में लिया जाए जब सब कुछ सर्टेन हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारे विकल्प हो, जिसमें आपको एक चयन करना हो, यहाँ बहुत मुश्किल नहीं होता। दूसरी अवस्था आती है डिसीजन जो है वो अनिश्चित अवस्था में ली जाए, यानी नोन और अननोन के बीच में ली जाए। आप कह रहे हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग, सत्या यादव जी कह रहे हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग पर बताइए मैम। मैं गीता की डिसीजन टेक्निक बताते हुए उनकी जरूर चर्चा करूंगी, लेकिन मूल रूप से ये लेक्चर, चूंकि ये व्याख्यान जो है निर्णय लेने की क्षमता पर केंद्रित है, तो ये सारे जो तीनों एस्पेक्ट आप जानना चाहते हैं ये बीच में मैं इसका जिक्र करूंगी, क्योंकि ये ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग पे एक एक अलग अलग व्याख्यान हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा संक्षेप में ही मैं छूंगी। तीसरी जो स्थिति है, जो मैंने बताया कि एक सर्टेनिटी की अवस्था है, दूसरी अनिश्चितता की अवस्था है, और तीसरी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था है, जिसकी मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि ये एक रिएक्टिव अप्रोच होगा और इसमें संभावित जो परिणाम हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। जो डिसीजन लेने का स्टाइल है जो मैनेजमेंट में बताया गया है वो चार तरह के हैं।
एक तो डायरेक्टिव है जिसमें आप डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से काम करना है, जिसमें मैनेजमेंट में बॉसेस करते हैं या हमारे यहाँ जो एजुकेशन में जो हैं वो हमें डायरेक्शन आते हैं MHRD से या UGC से कि आप इस तरह का काम आपको करना है, अब आप इसको जैसे मर्जी वैसे करिए। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास विकल्प नहीं होता है और लीडर्स जो होते हैं इस तरह की चीज़ें देती हैं। और दूसरा जो है एनालिटिकल है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप निर्णय लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्चुअल है, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं और जो भी थियोरीज हैं उसको एक खुले दिमाग से आप उन प्रत्ययों को, उन संप्रत्ययों को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। चौथा जो है वो बिहेवियरल स्टाइल है कि आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं इस बीच में, इज द डिसीजन मेकिंग फ्री और डिटरमाइंड और अ कॉन्शियस मिक्स ऑफ टू। मैं आपके तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगी। कुछ सिचुएशंस हमें दी जाती हैं और कुछ उन सिचुएशंस में हम कॉन्शियस डिसीजन देते हैं, तो ये ना तो पूरी तरीके से फ्री है और ना पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। क्योंकि अगर डिटरमाइंड होता तो निर्णय लेने की क्षमता पे हम बात नहीं करते, और अगर हम पूरी तरीके से फ्री तो हम किसी भी सिचुएशन में नहीं होते हैं। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब भी कोई काम होता है तो उसके 5 अवयव हैं, डिसीजन सिर्फ एक अवयव है उसमें। तो के ओम जी ये पूछ रहे हैं, इसको मैं आगे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। अब मैं आती हूँ कि ये एक जनरल पिक्चर थी जिसमें 3 थियोरीज थी, 3 सिचुएशन थी और 4 निर्णय लेने का स्टाइल था। अब हम आते हैं कि गीता में इसका क्या रेफरेंस है। गीता में आप देखिए, आप सब लोग सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, हमारे घरों में गीता पढ़ा जाता है, गुना जाता है और पवित्र माना जाता है। इसमें 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं और महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 24वें अध्याय के बीच का ये जो है विषय, विचार विमर्श का विषय वस्तु है। लेकिन इसमें जो आप देखिए कि मैंने अभी डायलेमा या द्वंद की बात की, जो कि गीता में मैंने एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश करूंगी कि एक तो सामान्य हमारे जो जीवन है उसमें अनिर्णय की स्थिति है और गीता दर्शन में क्या है। एक बुक है IP सिंह की, जो उन्होंने बुक का नाम दिया है द वर्कशॉप ऑन द एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ इन गीता, और उसमें उन्होंने एक चैप्टर पूरा लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग टेक्निक पे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गीता श्रीमद् भगवत गीता में जो द्वंद है या जो डायलेमा है वो स्पिरिचुअल डायलेमा है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये बात कही तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये पृष्ठभूमि थी कि श्रीमद् भगवत गीता को एक पूजनीय धार्मिक ग्रंथ के रूप में समझा जाता है और स्वीकार किया जाता है। और ऐसी स्थिति में स्पिरिचुअल डायलेमा अगर वो मानते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसमें तत्व मीमांसी है, नीति मीमांसी है, धर्म मीमांसी है, वर्ण व्यवस्था, कर्तव्य अकर्तव्य, इनकी चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि चूंकि वहाँ पे जो अर्जुन का द्वंद है उसको स्पिरिचुअल डायलेमा के फॉर्म में देखा जा सकता है, लेकिन वो एक वास्तु स्थिति, यथा स्थिति, युद्ध भूमि की स्थिति है। और उस युद्ध भूमि की स्थिति पे जब हम बात करते हैं तो वो एक व्यवहारिक जीवन का सच है, सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। और उस व्यवहारिक जीवन का सच और सत्यता, उसका यथार्थ, उसका द्वंद, उसका विषाद और उसके जितने भी तकनीकियां हैं, जितने भी तरीके हैं विचार विमर्श के, वो निश्चित रूप से हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उसमें ये समृद्धि जरूर रहेगी कि जब हम व्यवहारिक जीवन के प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास करेंगे तो उस हमारे पीछे हमारे निर्णयों को समृद्ध बनाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक विमर्श
हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध एक विभत्स सच्चाई है दुनिया की, उसके साथ ही अपने परिजनों के साथ जो हमारा मोह होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो भी बहुत स्वाभाविक है। अर्जुन जो है श्रीमद् भगवद् गीता में उस एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक आदर्श समाज में जन्म लेता है और उसी में उसकी परवरिश होती है, और वो अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को बहुत सम्मान देता है और अपनी भावनाओं को किसी भी कीमत पे, रिश्तों को, भावनाओं को टूटने नहीं देना चाहता है। यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने कहा कि डायलेमाज क्यों होते हैं, क्योंकि प्री कंसीव्ड वैल्यूज होते हैं। अर्जुन के पास अपने एक आदर्श समाज के, जो उनके शिक्षा दीक्षा के माध्यम से जो मूल्य उसमें इनकल्केट किए गए थे, जो मूल्य उनमें रचाए बसाए गए थे, उन मूल्यों के आधार पे वो बहुत दुखी होते हैं कि मैं अपने परिजनों को क्यों मारूं। और इस प्रकार यहाँ पे जो उनका डायलेमा है वो उनके भावनात्मक लगाव और सिर्फ परिजनों के प्रति एक जो संलग्नता है, जो मोह है, उसके एक संकीर्ण दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है, और जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति हमेशा इनकाउंटर करता है, फेस करता है, उसको जीवन में उसकी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि ये एक संकीर्ण दृष्टिकोण की बात है, तो इसमें रास्ता क्या हो सकता है कि आप अपने दृष्टिकोण को विस्तारित कीजिए। और श्री कृष्ण यही करते हैं कि जब आप बहुत संकटकालीन परिस्थिति में होते हैं, तो वहाँ पे भगवद गीता में आपद धर्म की बात की गई है, आपद कर्तव्य की बात की गई है, और उन कर्तव्यों को, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि जब निर्णय लेने की स्थिति आती है तो हमेशा आपद धर्म और आपद कर्तव्य की हम बात करेंगे, क्योंकि एक बृहद जब उद्देश्य होता है, एक बृहद जब टारगेट आपका होता है, लक्ष्य होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। और अगर व्यक्ति इस अवस्था में निर्णय लेने के काबिल नहीं है, तो फिर उसको बहुत गहन विचार विमर्श करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपने, एक सज्जन ने क्वेश्चन किया था कि डिसीजन प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है या डिटरमाइंड है या दोनों का मिक्स एक फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी श्री एस एन दास गुप्ता जी को, जिन्होंने 5 वॉल्यूम्स में इंडियन फिलॉसफी लिखी है, और जब उन्होंने इसकी बात की है, डिसीजन लेने की बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम किसी भी क्रियाकलाप की बात करते हैं और उस पर कोई कमेंट करते हैं या टिप्पणी देते हैं या निर्णय लेते हैं, या हम निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सोचना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं और उसी को गलत और सही ठहराते हैं। जबकि किसी भी क्रियाकलाप में, किसी भी निर्णय में 5 स्थितियां होती हैं। एक फिजिकल कंडीशंस होती हैं, दूसरा आपके वेरियस जो इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स हैं, देखने की शक्ति है, क्षमता है, वो होता है, तीसरा एजेंट होता है, चौथा बहुत सारे जिंदगी के क्रियाकलाप और बायोमीटर्स एक्टिविटीज होती हैं, और चौथा और पांचवा जो होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो अनियंत्रित तत्व हैं या फैक्टर्स हैं, उनके बारे में अगर आप सोचना शुरू करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि निर्णय जो है हमारे हाथ में नहीं है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा मिक्सचर है और क्लबिंग है, जिसमें जब हम आते हैं तो हम निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके लिए गलत सही ठहराने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसको हम सोचना शुरू करते हैं, तो वो एक तरीके से जब हम जजमेंटल होते हैं,
तो वो हमारे पर्सनल सेंटिमेंट आते हैं, और जब इन पांचों फैक्टर्स को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि किसी स्थिति विशेष में अगर किसी व्यक्ति ने निर्णय लिया है तो वो उसकी उस समय की परिस्थिति की देन हो सकती है। हो सकता है कि वो उसका अपना सही और गलत इंटेंशन या आशय न हो। अब जरा सा हम आते हैं कि देखिए, जैसे हमने कहा कि जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तब उसके बाद हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स भी हैं, ये स्थितियाँ भी हैं, स्टाइल भी हैं, द्वंद भी है, डायलेमास भी हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक के बारे में सोचने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ता है, उसके हिसाब से कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। तो हम इसको किसी भी प्रिटेंशन या किसी भी बहाने पे हम छोड़ नहीं सकते कि ये परिस्थिति थी इसलिए हमने इस तरह का निर्णय लिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय तो लेना ही पड़ता है। और सामान्य तौर पे अगर आप निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो फिर आपको चार पांच चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप विकल्पों की पहचान करते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, आप विकल्पों को चूज करते हैं, और इनको चूज करने में आपको जो हेल्प लेते हैं वो आपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च से लेते हैं और एनालिसिस से लेते हैं। लेकिन जब पास्ट एक्सपीरियंस से आप उसका लेना चाहते हैं निर्णय, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे भूतकालीन जो जितने भी अनुभव हों वो आज की परिस्थिति पे लागू हों, क्योंकि परिस्थिति, दशा और दिशा बदलती रहती है। कहा भी जाता है कि जो भूतकालीन जो हमारा अनुभव है वो हमारा शिक्षक तो हो सकता है, वो लेकिन तभी तक हो सकता है जब एग्जैक्टली वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने हो। और यथा स्थिति ये है या वस्तु स्थिति ये है कि वर्तमान समय में स्थितियाँ अलग हो चुकी हैं और हमारे जो भूतकालीन अनुभव हैं वो एक हमें दिशा निर्देश तो दे सकते हैं, लेकिन यथा स्थिति वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको त्वरित निर्णय लेना हो कहीं पे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कंडीशंस में इस तरह की स्थितियां आती हैं कि आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में जितना टाइम लगता है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो जो रिसर्चेज जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और एक बहुत बड़ा एफर्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब भी आप ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं, एक दीर्घकालिक योजना जो है उसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को जो डे टू डे लाइफ में अगर उसको निर्णय लेना है, छोटी छोटी चीज़ों पे रोज निर्णय लेना है, तो उसमें मुझे लगता है कि इनकी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती है। और जो सेट मिलते हैं, आप के ओम जी पूछ रहे हैं कि आर द इमीडिएट कंडीशन मोर वाइटल देन ऑल सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बाकी चीज़ों से हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं कभी कभी बड़े उद्देश्यों के अनुकूल नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ह्यूमन लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी इश्यूज़ पे भी आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार आपके छोटे छोटे निर्णय जो हैं आपको बड़े उद्देश्यों की तरफ प्रेरित करते हैं और ले जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, जहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट है, उद्देश्य है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में इनकी उपयोगिता, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन थोड़ा सा प्रासंगिक, तत्कालीन प्रासंगिकता कम होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि खो देती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। और जो सामान्य तौर पे दिया गया है, मैं फिर से आती हूँ डिसीजन मेकिंग टेक्निक पे, जो एक मैं परव्यू देना चाह रही हूँ, उसमें जो चीज़ है
वो ये आ रही है कि आप जब डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस समय सबसे पहले आप समस्या देखते हैं और समस्या का समाधान करना चाहते हैं, और फिर आप उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं, विकल्पों को देखते हैं, जो प्रमाण हैं या जो पहले से पास्ट एक्सपीरियंस से जो एविडेंसेस हैं उसको परखना चाहते हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो विकल्प उपलब्ध हैं उसको चुनना चाहते हैं, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं और फिर आप निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ थी। वो देखा आपने कि ये परव्यू है, लेकिन जब हम गीता के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गीता का जो संदर्भ है डिसीजन मेकिंग टेक्निक का, वो मोर ह्यूमन बेसिस है। देखिए, युद्ध की स्थिति है, निर्णय तुरंत लेना है, आप उसमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिसर्च और एनालिसिस या एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास स्कोप बहुत कम है, तुरंत निर्णय लेना है। ये एक इमोशनल स्टेज है जिसमें अर्जुन पूरी तरीके से विषाद में हैं, और ऐसे सिचुएशन में मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि हर व्यक्ति हमेशा रहता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी अवस्था आती है कि उसको निर्णय लेना पड़ता है, या इस तरफ या उस तरफ, और ऐसी ही दशाओं के लिए गीता जो टेक्निक बताती है उसको मैं 8 चरणों में अभिव्यक्त करना चाहूँगी या आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। और उसमें जो पहला चरण है वो ये है कि आपके पास जो विकल्प हैं, मैंने जिक्र किया था कि सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं, अनसर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है, और तीसरी सिचुएशन ये है कि बिल्कुल कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है। जो सबसे प्रिकेरियस और जब से जो सबसे सीरियस कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन है, जिसमें आपके विकल्प बिल्कुल अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। आप अगर एक करेंगे तो दूसरे का खंडन होगा, दूसरे का निषेध होगा, और अगर दूसरा करेंगे तो पहले का निषेध होगा। एक करेंगे तो आप कुछ लूज करेंगे, दूसरा करेंगे तो आपको कुछ हानि होगी। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? आप जो गीता का निर्देश है वो सबसे पहले अध्याय में जो अर्जुन को देते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ करते हैं, वो ये है कि वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर अर्जुन को ये निर्धारित करना है कि ये दोनों विकल्प हैं, एक तरफ मेरा परिवार है और दूसरी तरफ राज्य के लिए युद्ध करने के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने का विकल्प है। यानी अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो ये मनुष्य के दिमाग की दो अवस्थाएं हैं जिसमें वो कभी एक के बारे में सोचता है और कभी दूसरे के बारे में सोचता है, और वो निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है तो वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए ये जरूरी है कि वो उसके पास जो भी विकल्प हैं, अगर वो दोनों विरोधी विकल्प हैं, अपोजिट हैं, तो वो दोनों के बारे में उसके गुण अवगुण, हानि लाभ सबके बारे में समुचित रूप से विचार करे, और उन विचारों को ले करके ही वो आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने दिमाग को, अपने मन को तभी स्थिर कर पाएगा जब वो किसी एक विकल्प को चुन पाएगा और उस विकल्प के गुण देखेगा, और जो विकल्प छोड़ रहा है उसके अवगुण देखेगा, तभी वो इस चीज को आगे बढ़ा पाएगा, नहीं तो वो नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की स्थिति है और जो श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन विषाद में हैं और आपका विवेक के रूप में श्री कृष्ण खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति तटस्थ दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव रूप से कोई सोचेगा, समझेगा और निर्णय लेने की कोशिश करेगा,
तो निश्चित रूप से उसको एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। जो गीता भगवत गीता के विमर्शों की प्रक्रिया में जो दूसरा स्टेप डिसीजन मेकिंग का मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आप दोनों विकल्पों को देख रहे हैं, के ओम नारायण जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसमें विन विन सिचुएशन हो डिसीजन मेकिंग में। देखिए मैंने तीन स्थितियां बताई थी, जो जहां पे सर्टेनिटी है, विकल्प बहुत सारे हैं, आप कोई भी निर्णय लोगे विन विन सिचुएशन रहेगी, आपको कुछ लूज नहीं होगा। जहां अनसर्टेन है वहां ये हाफ पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन जहां अपोजिट है और दोनों इक्वली अनडिजायरेबल या डिजायरेबल हैं, और मूल रूप से अगर अनडिजायरेबल हैं, वहां पे विन विन सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको स्थिर बुद्धि से, विवेक से एक निर्णय लेना पड़ेगा और उस निर्णय के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं पहले चरण पे बात कर रही थी, दूसरे चरण की मैं बात करूं तो आप देखिए कि जो भगवद गीता में जो उनकी विचार विमर्श की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो दूसरा चरण आता है वो ये आता है कि विकल्पों का आकलन करने के बाद आप अपने गुरु या अपने मेंटर से उस पर सुझाव लीजिए। अर्जुन क्या करते हैं, श्री कृष्ण के पास जाते हैं निर्देश देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, कोई तो इतना भाग्यशाली नहीं है कि श्री कृष्ण का विवेकशील उसके पास मेंटर या एक मित्र हो, ऐसी दशा में क्या किया जाए। तो इस स्टेप को जो मेरा अपना मानना है, कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है कि आप जिस व्यक्ति में अपना विश्वास रखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है अपने पिता के ऊपर पूरा विश्वास करता है जब तक अबोध रहता है, जब सोचने समझने की अवस्था में आता है तो वो सलाह लेने लगता है, उसके बाद निर्णय लेने लगता है। लेकिन जब भी वो संकट में पड़ता है तो उसे अपने पिता से सलाह की अपेक्षा होती है, यानी मेंटर या जिसमें भी आपका विश्वास हो या जिसको आप अच्छे तरीके से ये समझते हैं कि इसका जो इंटेंशन है वो मेरे लिए सद्भाव से युक्त है, ये मुझे कभी गलत सुझाव नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति से आप अपनी समस्या की चर्चा कीजिए और उसके जो सुझाव हैं उन सुझावों पर गौर कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। लुक योर मेंटर का मतलब यही है। और मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप डायलेमा में हैं, अगर आप चुप रहते हैं या समस्याओं को सिर्फ अपने तक रखते हैं तो स्थितियां भयावह हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती हैं, और वैसी ही स्थितियां दिग्भ्रमिता या आत्महत्या की तरफ आपको उत्प्रेरित करती हैं, अवांछित स्थितियों की तरफ आपको ले जाती हैं। और ऐसी अवस्था ना आए इसके साथ, इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी समस्या को किसी न किसी से जरूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए, बांटिए। हो सकता है उनका सुझाव आपको स्वीकार्य ना हो, लेकिन कम से कम आपको एक सेकेंड ओपिनियन तो मिलेगा, दृष्टिकोण तो मिलेगा, आपका दृष्टिकोण उस पे केंद्रित तो होगा। आप जो एक चीज पे निरंतर व्यस्त हैं, उससे आगे नहीं निकलने के, उसकी परिधि से आगे नहीं निकल रहे हैं, दूसरे विकल्प को आप देखेंगे तो कम से कम थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी, थोड़ा सा दूसरा दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तीसरी चीज जो है, जो गीता के व्यवहारिक जो विमर्श हैं उनमें जो मिलता है, वो मिलता है डी ईगो योर आउटलुक। डी ईगो योर आउटलुक, आप देखिए कि जीवन की अधिकतर समस्याएं
किस लिए होती है? क्योंकि हम एक अहम लेके चलते हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, मेरे हिसाब से ये सच है। और जो ये मैं है ना, इसके पीछे हमारी बहुत सारी पूर्व मान्यताएं, बहुत सारी संकीर्ण विचारधाराएं और बहुत सारी अंधविश्वास हमारे साथ चलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारी पूर्व मान्यताओं में सकारात्मक चीजें नहीं हैं, बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी हैं, और जहां तक वो सकारात्मक चीजें हमें एक सद कल्याणात्मक वृत्ति के साथ आगे बढ़ाती हैं, वहां तक उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको परखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं से वो हमारी पूर्व मान्यताएं अगर हमारे निर्णय लेने में बाधक बन रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं से उनकी संकीर्णता का एक संकेत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जरूरी और आवश्यक रूप से संकीर्ण हो, लेकिन ये एक संकेत अवश्य हो सकता है। और जब कहीं हमको संकेत इस तरह का मिलता है, तो हमें उसके परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप देखिए, कहीं अगर आप जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं, तो श्री कृष्ण उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो अपने परिजनों के प्रति लगाव है, वो आप अपने आइडियल, एक आदर्श समाज के मूल्यों से लेकर के आप आगे आ रहे हैं, और उन मूल्यों की परिधि से बाहर निकल करके धर्म के पक्ष में जो आपको कर्तव्य करना चाहिए, वो कर्तव्य आप नहीं कर पा रहे हैं, उस कर्तव्य से आप कहीं च्युत हो रहे हैं, और आप अपने एक संकीर्ण अहम मात्र के मूल्यात्मक परिदृष्टि में फंसे हुए हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि आप बाहर निकलिए, अपने जो व्यक्तिगत आपके लगाव हैं, जो भावनात्मक आपकी सीमाएं हैं, उनसे बाहर निकल करके आप सोचना शुरू करिए और अपनी दृष्टि को व्यापक करिए। आप देखिए कि धर्म के पक्ष में आपका क्या एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से श्री कृष्ण उनके तरह तरह से कि आपकी दृष्टि दिग्भ्रमित है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप तत्वमीमांसीय यथार्थ को नहीं देख पा रहे हैं, आप मूल्यों को नहीं देख पा रहे हैं, इन कई माध्यमों से श्री कृष्ण अर्जुन का जो ईगो था उसको कर्टेल करके और एक व्यापक दृष्टि रचित करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में जब श्री कृष्ण जाते हैं कि और कहते हैं कि आप अपने संबंधियों को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, युद्ध में नहीं करने का निर्णय लेंगे, तो इसका धार्मिक क्षेत्र के ऊपर से बहुत बड़ा एक आप कर्तव्य च्युत हो जाएंगे, वर्णगत कर्तव्य से भी च्युत हो जाएंगे, न्याय के लिए जो धर्म की अवस्थाएं या जो अपेक्षाएं हैं उससे आप च्युत हो जाएंगे, और ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के ईगो को कर्टिल करके, उसको ईगो जो एक अहम मात्रात्मक दृष्टि है, उसको विस्तारित करके उनको सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये कहूँ कि प्रेरित क्या करते हैं, वो अपने तर्कों से उनको विवश करते हैं कि आप धर्म के पक्ष में सोचिए, कर्तव्य के पक्ष में सोचिए, समाज के पक्ष में सोचिए, स्वधर्म के पक्ष में सोचिए और कल्याण के पक्ष में सोचिए। ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से उनको अहम मात्रात्मक या जो सब्जेक्टिव एक विजन है उससे बाहर निकाल करके उनके दृष्टि को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं, और ये डिसीजन लेने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, आप देखिए द्वंद थोड़ा सा कम हुआ जब आपने विकल्पों को विश्लेषित किया, उसके बाद दृष्टि थोड़ी सी साफ हुई जब आपने किसी से चर्चा की या अपने मेंटर के पास गए,
उसके बाद जो है, जब आपने अपना ईगो हटा दिया, यानी जो आपके प्री कंसीव्ड नोशन थे, या किसी के प्रति आपका लगाव है, या किसी से रिवेंज लेने की चीज़ है, या किसी को फेवर करने की चीज़ है, मतलब कभी आप बदले के उसमें भी जाते हैं और कभी आप किसी का पक्ष लेने के उसमें भी जाते हैं, जब आपने ये सब चीज़ें हटा दी, तब उसके बाद जो चौथा स्टेप जो हमें गीता के पूरे वैचारिक विमर्श में मिलता है, वो ये होता है कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उस निर्णय में एजेंट की तरह आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि आप निर्णय ले रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है उस निर्णय को आगे बढ़ाना, और जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो किस तरीके से आप अपने रोल को उसमें डिफाइन करते हैं, इसके लिए दो टेक्निक दी गई हैं। पहली तो ये है कि आप उस डिसीजन को ले रहे हैं, अगर आप खुद इसको करें पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं, कहीं ये आप डिसीजन दूसरे के लिए तो नहीं ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्या अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, तो क्या वो विकल्प आपके लिए फिट होता है। ये दोनों चीजें देखिए, इस विकल्प को आपने चुना, तो क्या आप इस विकल्प को उस स्थिति में रख करके खुद ही करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज, जो दूसरा लिटमस टेस्ट है, वो ये है कि क्या दूसरा विकल्प इसके मुकाबले में कम महत्वपूर्ण है, क्या वो आपको सूट नहीं करता। ये दोनों चीजें इस पे आप टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं यहां पे एक चीज और भी कही, देखिए समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, त्याग बलिदान दया धर्म सब लोग उपदेश देते हैं, लेकिन जब खुद इनको अपनाने की बारी आती है, तो कितने लोग इसके लिए तैयार होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग स्टेप का जो है चौथा चरण, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। एक कहावत होती है कि शहीद भगत सिंह हमेशा पड़ोस के घर में अच्छे लगते हैं, यानी महान कार्य करने की जो शिद्दत है, जो साहस है, वो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में इसलिए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसके खतरे हैं, उसके तर्क हैं, उसके कष्ट हैं, लेकिन लक्ष्य उसका बड़ा है, और उस लक्ष्य के दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि जो डिसीजन आप लेते हैं, सबसे पहला लिटमस टेस्ट ये होना चाहिए कि उस डिसीजन पे आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और अगर आप खुद उस पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर आपको वो डिसीजन एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, उसकी आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। जो पांचवा स्टेप अब आता है, देखिए ये चार स्टेप जो थे, वो किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति विशेष में निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है कि आप इस तरीके से निर्णय लीजिए। अब आगे के जो चार चरण हैं, वो ये है कि आप अपने निर्णयों की खुद ही परीक्षा कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए जो भगवत गीता के वैचारिक विमर्शों में या उपदेशों में जो मिलता है, वो पहला मिलता है कि अप्लाई द ऑप्शन टू द टेस्ट ऑफ रैशनैलिटी। जो भी विकल्प आपने चुना है, उस विकल्प को बौद्धिकता के पैरामीटर पर आप टेस्ट करिए कि ये सही है या नहीं है। आमतौर पे हम कहते हैं कि रेशनली सोच लो कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन रेशनल थिंकिंग का बेसिस क्या होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि गहन दार्शनिक पुस्तकों में, विमर्शों में इसके लिए तर्क दिए जा सकते हैं, पैरामीटर दिए जा सकते हैं, लेकिन गीता में जिस तरीके से रेशनैलिटी के मापदंड सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, वो वाकई में अद्भुत हैं। और पहला पैरामीटर है कि वो लॉजिकली साउंड होना चाहिए,
तार्किक रूप से वो कन्विंसिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राई तर्क है, आपने ऐसा कर दिया कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये रैशनल है, ये इमोशनल नहीं है, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, उसको साउंड होना चाहिए, उसमें गंभीरता होना चाहिए, उसमें चाहिए, उसमें कहीं गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने पैरामीटर दिया है वो दिया है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि जितना उपयोगी या जितना स्वीकार्य मेरे लिए है उतना ही स्वीकार एक्स वाई जेड या किसी भी परिस्थिति देश और काल में होगा वो, और इसके साथ उसकी वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको लॉजिकल वैधता से या लॉजिक के टर्म में लीजिए, वैधता का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए और उसको सबके लिए उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। और लास्ट जो देते हैं वो पैरामीटर वो है कि वो कहीं स्व-व्याख्याति ना हो, यानी अपना ही खंडन खुद ना करे एक परिस्थिति विशेष के बाद, और कहीं से असंगत ना हो। अगर ये तीन चीजों पे हम अपने निर्णय को परख लेते हैं तो वो निर्णय रेशनल होगा। और अगर हमारा डिसीजन लेने का प्रक्रिया या डिसीजन जो हमने लिया है वो विकल्प जो है वो रेशनल है इन तीनों पैरामीटर्स पे, तो हमें उस पे आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये रेशनैलिटी की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि कोई चीज़ लॉजिकल हो सकता है लेकिन साउंड नहीं हो सकता, साउंड हो सकता है लेकिन लॉजिकल नहीं हो सकता। कई बार हम इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं, कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाण तो हमेशा वस्तु परिस्थिति और घटना से होता है। और कोई चीज़ कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकता है लेकिन हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट ना हो, थोड़ा कहीं कहीं से उसमें कंसिस्टेंसी लैक करती हो। ये थिंकिंग प्रोसेस के दो क्लियर कट अलग अलग पक्ष हैं, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए युद्ध भूमि में अर्जुन जो हैं उनको श्री कृष्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जो नेक्स्ट और छठवां स्टेप आता है वो आता है अप्लाई द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी। हो सकता है रेशनली आप बहुत अच्छा निर्णय ले, जो वैलिड भी हो, जो साउंड भी हो लॉजिकली, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन भी ना हो, लेकिन उसके साथ ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। भाई आप निर्णय किस लिए ले रहे हैं? निर्णय आप इसलिए ले रहे हैं ना कि आपको उस पे काम करना है। श्रीमद् भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं निर्णय लेने के लिए, तो इसलिए नहीं ले निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के बारे में एक सैद्धांतिक निर्णय ले और उससे हट जाए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को व्यवहारिक रूप से युद्ध में प्रवृत्त तो होना है। इसी तरीके से जब मानव जीवन में निर्णय और की क्षमताओं की बात आती है तो व्यवहारिक जीवन में निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि उस पे कार्य करने होते हैं। और इसलिए कभी कभी आप देखिए कि जब हम जजमेंटल होते हैं तो दूसरे के क्रियाकलापों पे हम बड़ी आसानी से निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसके निर्णय पे काम नहीं करना है या उसकी अवस्था में हमें नहीं बैठना है। लेकिन जब भी आप डिसीजन मेकिंग टेक्निक की हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकेबिलिटी जो है एक बहुत वाइटल फैक्टर के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर मैं कहूंगी प्रैक्टिकेबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे, और उसमें फिर से गीता का जो योगदान है उसके विमर्शों में जो मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। जो पहली चीज आती है वो फिजिबिलिटी है, व्यवहारिकता है। उसको अगर मैं कर सकती हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी कि व्यक्ति की क्षमताएं अलग-अलग होती है और क्षमताओं के हिसाब से उसकी व्यवहार्यता निर्धारित होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए निर्णय लेना है तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर स्थिर बुद्धि है, विवेक उसमें है, तो वो सही निर्णय
ले सकता है जो व्यवहारिक हो, जिस पे वो कार्य कर सकता है। अब दूसरे जो पैरामीटर है वो है डिजायरेबिलिटी। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि निर्णय व्यवहारिक होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में कहीं ना कहीं से हिचकिचाहट होती है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि देखो ले तो लिया, लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते हैं या इसको निर्णय नहीं लेना चाहते। ये स्थिति इस चीज का द्योतक है कि कहीं ना कहीं से जो हमने निर्णय लिया है उस निर्णय में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, तटस्थ दृष्टिकोण की कमी है। कहीं ना कहीं से हमारी भावनाएं उसमें संलग्न हैं और कहीं ना कहीं से हम अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर के निर्णय ले रहे हैं और सही चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर डिजायरेबिलिटी नहीं है, अगर वो हमें प्रिय नहीं है, तो हम उसमें शिद्दत से प्रयास नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सच है। और तीसरी चीज जो भगवद गीता में हमें मिलता है निर्णय लेने की तकनीकी में, वो ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो मेंटेन्ड। क्योंकि अगर व्यवहार्यता भी है, उसकी इच्छा भी है और कहीं से वो अनैतिक हो, तो वो बहुत दुर्गामी परिणाम जो शुभ हो ऐसे परिणामों को वो नहीं दे पाएगी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हम फिर से अनैतिकता के जो दुष्चक्र होते हैं, जिसमें अप्रसन्नता एक चीज आती है, अवसाद एक चीज आता है, उसमें हम फंस जाएंगे, हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो ये तीनों पैरामीटर है, फिजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी और एथिकल स्टैंडर्ड, इन तीनों को मान के चलना होगा। अब देखिए, अभी हमारे पास दो पैरामीटर और बचते हैं। अप्लाई द टेस्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जो निर्णय लिया है आप उसके साथ तादात्म्य हो करके सोचिए। आप चौथा पैरामीटर याद कीजिए, जिसमें यह है कि आप अपने आप को एजेंट के रूप में विजुअलाइज कीजिए। ये थोड़ा सा उससे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम कि एजेंट की जो डिजायरेबिलिटी है, फिजिबिलिटी है और मॉरल वैल्यूज़ के प्रति जो उसका फेथ है, वो पूरी तरीके से बना रहना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति इस तरह का डिसीजन लेता है तो उसे अपने निर्णय में एक पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और वो ये ना सोचे कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उसका ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो निर्णय मेरे लिए पूर्णतः सही है और इस निर्णय की सत्यता में, वैधता में और इसके शुभता में मुझे पूरा विश्वास है। मैं इसके अलावा और कोई निर्णय ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सिद्धत होगी तब जा करके आप उस निर्णय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगे और उस निर्णय के साथ आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने निर्णय लिया और आपकी सिद्धत उससे इन्वॉल्व नहीं हुई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें आप देखिए कि इसमें जब श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो सारे पक्ष जो है उसको रखने के बाद भी अर्जुन इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं कि उनका निर्णय सही है, तो फिर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इस जगत के एक छोटे से तिनके के बराबर प्राणी हो और हर व्यक्ति अजर अमर है और सबकी उत्पत्ति और सबका विलय वो सब मेरे अंदर है। जब उस विश्व रूप को दिखाते हैं तब जाकर के श्री अर्जुन अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त होते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक का स्टेप है वो है विजुअलाइज योरसेल्फ एज हैविंग अचीव्ड द गोल। जब आपने डिसीजन ले लिया
तो आप एक परिकल्पना ये कर सकते हैं कि आपने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आपकी स्थिति स्वयं में, आपके परिजनों में और आपके समाज में क्या होगी। और अगर आपको लगता है कि वो स्थिति संतोषजनक होगी तो आपका निर्णय जो है वो 100% लेने लायक है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपने निर्णय ले लिया और उसके बाद उस ऊंचाई पे बैठ करके आप यथार्थ से या आप अपने परिजनों से कट गए, और अगर आप कट गए तो फिर आप अकेले पड़ जाएंगे और आपको अपने निर्णय पर कभी न कभी अफसोस होगा, और इस तरह का निर्णय जो है वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। ये 8 स्टेप जो आइडेंटिफाई किए हैं वो हो सकता है कि ओम जी लिख रहे हैं कि स्वभाव, स्वधर्म, निष्काम कर्म, ये भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिक्र किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है, मैंने आपको जब मैं चर्चा कर रही थी तभी मैंने कहा था कि हर व्यक्ति की क्षमता और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अर्जुन जो है क्षत्रिय हैं, रजोगुण का आधिक्य है उसमें, युद्ध उनका धर्म है, इसलिए उनसे कहा गया कि आप युद्ध करना आपका धर्म है, आप धर्म का पालन कीजिए, यह आपका स्वभाव है। क्षत्रिय का धर्म भी है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो स्वधर्म में क्षत्रिय का धर्म भी है युद्ध करना। और जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप हार या जीत की चिंता मत करो, अगर आप हार भी जाओगे अपने धर्म का पालन करते हुए तो स्वर्ग जाओगे, और अगर आप जीत जाओगे तो आप धरती पे पूरे राज्य का उपभोग करोगे। और बीच में मैंने जब आपको स्टेप बताया कि आपके निर्णय में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप सफलता असफलता के बारे में ना सोचें, वो कहीं ना कहीं से भगवत गीता के निष्काम कर्म मार्ग का द्योतक है कि अगर आप किसी पंथ पे, किसी निर्णय पे आप सक्षम और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं तो उसकी सफलता असफलता के बारे में मत सोचिए। अगर वो शुभ निर्णय होगा तो असफल होके भी उसकी महत्ता बनी रहेगी, और अगर अशुभ निर्णय होगा तो सफल होकर के भी उसकी नैतिक महत्व कहीं ना कहीं से खत्म हो जाती है। इसलिए निष्काम कर्म मार्ग तो कहीं ना कहीं से, जब आपका अनंत विश्वास है, दृढ़ विश्वास है आपके अपने निर्णय में, तो वो कहीं ना कहीं उसमें इनकॉर्पोरेट हो ही जाता है, उसमें सन्निहित हो जाता है। अब आप, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू के 4 चरण जो थे वो व्यक्ति को उसको मानसिक रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार करता है, और अंतिम जो है वो जो 4 चरण हैं वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को अपने निर्णयों को परखने के लिए तैयार करता है। आप सत्या यादव जी फिर अपने पुराने प्रश्न पे आ रहे हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग पे आए। देखिए, जब आप निर्णय लेने की क्षमता या टेक्निक पे बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको टेक्निकली तो मैं नहीं जाऊंगी कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग गीता में कितना विस्तारित है और क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब हम निष्काम कर्म की बात करते हैं तो वो कर्म योग का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम दृढ़ विश्वास की बात करते हैं, चाहे वो उद्देश्य में हो या वैश्विक सत्ता में हो, तो वो भक्ति योग की बात करता है। और जब हम सारे विकल्पों को परीक्षित करने की बात करते हैं, ज्ञान के दृष्टिकोण से देखने की बात करते हैं, उसकी वैधता और सर्टेनिटी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ज्ञान योग की तरफ व्यक्ति को ले जाने की कोशिश करता है।
और ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके महत्व को समझा जा सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको, मेरे ख्याल से समय तो हो चुका है, लेकिन जो चार मैंने डायलेमा के क्षेत्र बताए थे उसमें मैं आपको जो 8 स्टेप्स मैंने दिए हैं, 2-3 मिनट में मैं ये बताऊंगी कि कौन सा चरण किस क्षेत्र में प्रभावी है। आठों चरण हर क्षेत्र में उपयोगी हैं, लेकिन अगर कॉमन ह्यूमन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें पहला ही स्टेप अगर हम ठीक से अप्लाई कर लें, कि हम विकल्पों को ठीक से परख लें, तो हम देखेंगे कि आधी से ज़्यादा समस्या हमारी हल हो जाती है। जो दूसरा स्टेप है, जो कैपेसिटी है, जैसे जो ह्यूमन कैपेसिटी है, मैनेजमेंट के फील्ड में है, जो ह्यूमन कैपेसिटी है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या इसकी वजह से जो डायलेमा होते हैं, 5th और 6th स्टेप जो है, रेशनैलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी अगर हम अप्लाई कर दें तो आधी समस्या वहाँ पे भी हमें एक दृष्टिकोण मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी और ये समस्या हल हो सकती है। लीगल केसेज जो हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव जजमेंट का इनसाइट बहुत बड़ा इशू होता है, और वहाँ पे भी अगर हम 3rd स्टेप ले लें और 5th स्टेप ले लें, तो फिर हम अपने आप को उसके जगह पे रखना, विजुअलाइज योर सेल्फ कर दें और 5th स्टेप में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम देख लें और या रेशनैलिटी देख लें, तो फिर हमें बहुत सहायता मिल सकती है। इसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में अगर हम ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, तो हम अपना ईगो हटा दें, सिर्फ एक ही स्टेप अगर हम वहाँ से हटा दें तो बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। और मैनेजमेंट में तो इसका पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि ब्रीफ में मैंने बता दिया है और इसके बहुत सारे मॉडल्स भी दिए हुए हैं, जहाँ पे गीता का प्रयोग होता है उसका जिक्र करूँगी तो मैं बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर करना चाहूँगी और एक बात कहना चाहूँगी कि गीता के जो 8ों स्टेप हैं, अगर उनको सही तरीके से अप्लाई किया जाए, तो कोविड-19 के दौरान में जो हमारे शैक्षणिक जगत में एक बहुत बड़ा प्रश्न उभरा है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, जिसमें वाद विवाद और विचार विमर्श भी चल रहे हैं, वो है कि टर्मिनल सेमेस्टर में बच्चों के एग्जाम कैसे करवाए जाएं। मुझे लगता है कि लगभग हर विश्वविद्यालय के कुलपति इस प्रश्न को, या हर शैक्षणिक संस्थान इस प्रश्न को आज चुनौती के रूप में देख रहा है, और अगर ये 8ों स्टेप उस पे अप्लाई करके निर्णय लिए जाएं, क्योंकि अब देखिए पहला स्टेप है, जैसे मान लीजिए परीक्षा लेनी ही है, परीक्षा ली जाए या ना ली जाए, लेने के क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं और नहीं लेने के क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, इन दोनों विकल्पों के बीच में खड़े होकर के अपने वैचारिक धरातल पे सोचा जाए तो एक निर्णय की तरफ पहुंचा जा सकता है। जितने लोग इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, मेंटर ना हो लेकिन जिनका इंटेंशन सही हो, अगर उनके साथ इस बात को डिस्कस करके और इस पे एक निर्णय लिया जा सकता है, जितने भी सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, इवन छात्रों से भी पूछा जा सकता है, अगर उसको लिया जा सकता है तो वो एक दिशा दे सकता है, दृष्टि दे सकता है। तीसरी चीज़ जो है कि जब भी हम इस तरह का निर्णय लेते हैं तो किसी बायसनेस का या किसी की मैंने कह दिया इसलिए ऐसा होना चाहिए, नहीं, डिवीजन को बार बार रिवाइज करिए, आप देखिए कि कहीं आपका कोई ईगो तो इसमें नहीं आ रहा है, कोई प्री कंसीव्ड नोशन तो नहीं आ रहा है, ये इस चीज़ को आप सोचिए। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अपने आप को विजुअलाइज करिए, एक वाइस चांसलर अगर अपने आप को विजुअलाइज करता है एक परीक्षार्थी के रूप में, कि अगर मैं इसकी जगह पे रहता तो मैं क्या चाहता, तो शायद एक सही दिशा मिल जाएगी। उसके बाद आप उसकी रेशनैलिटी पे टेस्ट कर लीजिए, प्रैक्टिकेबिलिटी पे टेस्ट कर लीजिए और उसमें अपने आप को उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि जब आप गोल को अचीव कर लेते हैं तो फिर आपका स्टेटस क्या होता है, आप एग्ज़ाम करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या स्थिति अवस्थिति होती है, आपकी प्रशंसा मिलती है या नहीं मिलती है। तीसरी चीज़ जो है कि अंततः जो हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, अगर आप इन 8ों पैरामीटर पे सही तरीके से सोच समझ के निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद इस अनिश्चितता की स्थिति में परिणाम क्या आता है,
उसको आप ऊपर भी छोड़ दीजिए, तो एक ये भक्ति योग का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण होगा, जिसको कि आप कल्याण के रूप में वो चल रहे हैं और कल्याण को लेकर के चल रहे हैं और उसके बेसिस पे आप निर्णय ले रहे हैं। और अगर आप ये निर्णय इस तरह का लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो सद्वृत्त्यात्मक निर्णय होगा, कल्याणकारी निर्णय होगा, स्वधर्म के पक्ष में निर्णय होगा और कर्तव्यों के पक्ष में निर्णय होगा, समाज के पक्ष में निर्णय होगा, राष्ट्र के पक्ष में निर्णय होगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि मैंने 10 मिनट अधिक समय ले लिया, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर इस 1 मिनट में नहीं भी करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट सोमू जी के पास है, और आप सोमू जी को भेज सकते हैं, सोमू जी मुझे भेज सकते हैं, और मैं अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से उनको उन प्रश्नों को या उन उत्तरों को देने की कोशिश, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी, जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगी, और इसी बहाने मैं भी कुछ सीखने का, पढ़ने का नया प्रयास करूंगी। एक मिनट तक मैं इंतजार करती हूं, फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। सोमू जी आपको ईमेल मैं भेज दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी। कोशिश करती हूँ मैं। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और इस ईमेल पे आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा या आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसको मैं शांत करने की कोशिश करूँगी, और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप प्रश्न ज़रूर उठाइए, पूछिए ज़रूर, क्योंकि प्रश्न उठाना मुझे भी एक सुअवसर देगा अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का और इन महती ग्रंथों को फिर से टटोलने का, परखने का और कुछ सीखने का, जानने का। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद, और सोमू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सत्या यादव जी, आप मेरे मेल पे मेल करिएगा, इस पे हम बात करेंगे। ईमेल पे मेल कर दीजिएगा, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। सोमू जी आपका बहुत बहुत आभार, और मैं अब इसको फिनिश करती हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को प्रणाम और हार्दिक धन्यवाद।